ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्दअमल, कहा कि ईरानी हमले में कोई अमरीकी या इराकी फौजी हलाक नहीं हुआ, सिर्फ फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा। वी वांट यू टू हैव अ फ्यूचर एंड अ ग्रेट फ्यूचर, वन दैट यू डिजर्व, वन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एट होम एंड हार्मनी विद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी टू एम्ब्रेस पीस विद ऑल हु सीक इट। अमेरिका की ईरान को अमन की पेशकश, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अमन चाहता है अमेरिका उसके साथ अमन के कायम के लिए तैयार है। दाइश के खात्मे के लिए भी ईरान को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। इराक में दो अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ का बयान, कहा कि ईरान ने अमरीका को मुनासिब जवाब दे दिया, ये भी कहा कि जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, सऊदी अरब और अमरीका का दौरा करने और मुतालिका ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी मुतालिका ममालिक के फौजी रहनुमाओं से राबते करके पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम पहुँचाने को कहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। और तेहरान में यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, बोइंग 737 तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद जाँ बहक। यूक्रेनी सफारतखाने के मुताबिक तैयारा इंजन फेल होने के बाइस तबाह।